स्वागत है आप सभी का शीतल उत्तराखंडी ब्लॉग में। और दोस्तों अभी दोपहर का 12 बजने वाला है और मैं अभी बना रही हूँ अपना लंच। तो आज का लंच मैं आपसे शेयर करूँगी, आज का पहाड़ी लंच मैं बना रही हूँ। मैं थोड़ी सी सब्जी बनाऊँगी करेले की और पहाड़ी झोली बनाऊँगी मैं। तो मैं उसे ककड़ी को उसमें कद्दूकस करके ऐड करूँगी, पूरी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। दोस्तों पूरी वीडियो देखिए और मैं आज आपको ऐसे ही बताऊंगी सारी रेसिपी। आपसे बात करते करते मैं आपको अपनी ये झोली की रेसिपी शेयर कर रही हूँ दोस्तों। तो चलिए मेरे किचन में चलते हैं, सबसे पहले बनाते हैं सब्जी। तो चलिए, तो दोस्तों मैंने सब्जी पहले से ही काट रखी है और मैं थोड़े सी करेले की सब्जी बनाऊंगी आज। तो मैंने आज पहले मैं करेले की सब्जी बनाऊंगी अभी। तो थोड़ा सा तेल लेंगे, वैसे मैंने करेले की सब्जी की रेसिपी अपने चैनल पे डाल रखी है, आप चाहे तो आप मेरी वो वीडियो देख सकते हो। और मैं अभी एकदम इजी तरीके से बना रही हूँ अपनी करेले की सब्जी, जिस तरीके से मैं बनाती हूँ उसी तरीके से मैं बना रही हूँ अपनी करेले की सब्जी। तो मेरा तेल जो है वो गर्म हो गया है, थोड़ा सा मैंने इसमें जीरा ऐड कर दिया है। तो दोस्तों तो मैं बना रही हूँ अभी सब्जी और झोली दोनों की रेसिपी। मैं तो दोपहर का लंच वैसे मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ और सबको बताती हूँ, लेकिन दोस्तों अभी मैं सामने पे आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से मैं अपनी छोटी सी रसोई में अपना दोपहर का लंच, अपना पहाड़ी पनीर तैयार करती हूँ दोस्तों। तो ये अभी आप देख सकते हैं, ये जो तेल है मेरा ये अच्छे से गर्म हो गया है और इसमें मैंने चावल चढ़ा दिए हैं, चावल ने भी सीटी लगा दी है। अब मैं सब्जी बनाऊंगी अपनी। तो मैं सब्जी को डाल रही हूँ, तो मैंने टमाटर और जो है मेरे करेले ये मैंने एक साथ जो ये टमाटर और करेले हैं ये अभी आप देख सकते हैं, ये मैंने एक साथ इनको लिया हुआ है। तो दोस्तों मैं ये करेले की सब्जी जो है इसमें मैंने अपने जो मसाले हैं वो ऐड कर दिए हैं, ये अभी आप देख सकते हो। और सब्जी का अच्छा सा कलर आना शुरू हो गया है, मैं अभी आपको बता भी रही हूँ। तो ये करेले की सब्जी है, बच्चे इतना पसंद नहीं करते हैं करेले को। अब ये मेरे चावल भी बन चुके हैं, अब मैं सब्जी बनाऊँगी। तो दोस्तों इसमें लगा देंगे ढक्कन, अब मैं ऐसे ही इसको पकाऊँगी। अब इसमें मैं ढक्कन लगा दूंगी, ढक्कन मैंने लगा दिया है। अब चलिए दोस्तों, तो दोस्तों आज का मैं आपको यहाँ का मौसम बताती हूँ। और वहाँ से कड़ी पत्ते भी लाते हैं बाहर से, तो बहुत ज़्यादा धूप है यहाँ, धूप हो रही है बहुत ज़्यादा तेज। तो कड़ी पत्ते लाते हैं यहाँ से बाहर से, तो हमारे इधर बहुत ज़्यादा कड़ी पत्ते होते हैं दोस्तों, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। और बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, और ये है बेल, अभी आप देख सकते हो ये है यहाँ का व्यू। तो हम एकदम नदी के किनारे हैं, यहीं नीचे नदी है और हम इसी के ऊपर हैं, मैं आपको बता रही हूँ। तो लेते हैं अपना अच्छा सा कड़ी, जो मैंने झोली बनानी है दोस्तों इसके लिए ले रही हूँ मैं कड़ी पत्ता। तो कड़ी पत्ता ले लेते हैं, हमारे इधर बहुत ज़्यादा पेड़ होते हैं कड़ी पत्ते के, ये भी आप देख सकते हो कितने सारे कड़ी पत्ते हो रहे हैं इधर। और बहुत धूप हो रही है और बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है, छाया भी है, मैं छाए पे आ गई इस टाइम पे। तो ये ले लिया है मैंने कड़ी पत्ता। अच्छा चलिए चलते हैं घर, अंदर चलते हैं और अपनी सब्जी को देखते हैं।
सब्जी हो गई होगी तैयार, तो मैं अभी आपको बताऊंगी। ये है मेरी बेटी की साइकिल, जो कि वो चलाती नहीं है, ऐसी रखी हुई है। लगा देंगे अपना दरवाज़ा। दोस्तों आ गई हूँ मैं अपने रूम में, और ये अभी आप देख सकते हैं, ये मैं कितना ताज़ा कड़ी पत्ता है ये, तो ये मैं जो झोली होती है उसमें डालूँगी मैं इस कड़ी पत्ते को। तो बहुत तो अपनी सब्जी को थोड़ी सी मैं चेक कर रही हूँ, तो मैं अभी आपको बता रही हूँ। ये अभी आप देख सकते हो, आपको मैं बता रही हूँ, ये मेरी जो सब्जी है कितना कम तेल डाला था मैंने इसमें, और पानी बिल्कुल भी नहीं डाला था, तो सब्जी में अपने आप ही पानी हो जाता है दोस्तों। ये अभी आप देख सकते हो कितनी कलरफुल सब्जी मेरी, करेले की सब्ज़ी तैयार हुई है, जबकि मैंने इसमें कुछ भी ऐसा ऐड नहीं किया हुआ है। तो ये अभी आप देख सकते हो, तो दोस्तों मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, झोली बनाते टाइम और सब्जी मेरी बन के तैयार हो जाएगी, थोड़ी देर में आपसे मिलती हूँ मैं अभी, तब तक के सब्जी। तो ये अभी आपको बता रही हूँ मैं, तो ये है दोस्तों मेरी सब्जी, जो कि बहुत ही ज़्यादा कलरफुल और बहुत ही ज़्यादा। तो दोस्तों ये मैंने लोहे की कढ़ाई ले रखी है, और मैंने इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दिया है झोली बनाने के लिए। मैं इसमें थोड़ा सा जखिया ऐड कर दूंगी, और ये जो कड़ी पत्ते जो मैं अभी बाहर से लाई थी, इस पर मैंने दो हरी मिर्चें काट दी है। अब मैं इन हरी मिर्चों को इसमें डाल लूँगी और थोड़ा सा इसको भूनने दूँगी। उसके बाद जो मैंने अपने झोली के लिए जो बैटर तैयार किया हुआ है उसको मैं इसमें ऐड कर दूँगी। मेरे पास मट्ठा नहीं था, तो मैंने इस झोली को मैंने इस दही से आया है, तो दही की झोली ऐसी ही होती है दोस्तों, तो दही से भी बना सकते हैं, मट्ठे से ज़्यादा अच्छी बनती है और इससे भी वैसे अच्छी बनती है, लेकिन मट्ठे से ज़्यादा स्वाद आता है इस झोली में। तो मैं अभी आपको बताती हूँ ये, तो ये मेरी झोली अच्छे से उबल चुकी थी, तो इसमें मैंने एक घर की जो ककड़ी होती है, काकड़ी दोस्तों, तो इसको मैंने कद्दूकस कर दिया था और अच्छे से मैंने इसमें मिला दिया है, और अच्छे से मैं इसको मिला दूँगी दोस्तों, और अभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं। तो ये अभी आप देख सकते हो, ये मेरी कढ़ी जो है अच्छे से पक चुकी है, और मैं आपको बता रही हूँ, और अच्छे से उबाल आ गया था इस झोली में। और लोहे की कढ़ाई पे ही हमेशा हम लोग अपनी झोली को बनाते हैं। तो ये है दोस्तों मेरी पहाड़ी झोली, और दोस्तों भात और सब्जी जो कि मैंने आज तैयार। तो दोस्तों मेरा खाना पीना मैंने बना दिया है, अभी मैं आपको इस पर सब्जी बना रखी है, और इसमें मैंने लोहे की कढ़ाई पे ये मैंने कढ़ी बना रखी है, और ये चावल मैंने बना रखे हैं। तो मेरा किचन का सारा काम हो गया है, अब मैं बच्चों को लेने जाऊंगी और मिलूंगी आपसे लंच टाइम में, तब तक के लिए बाय बाय। तो दोस्तों अभी मैं बच्चों को लेके आ गई हूँ घर, अब मैं कर रही हूँ अपना पहाड़ी लंच, जो कि मैं अभी आपको बताऊँगी मेरा आज का पहाड़ी लंच। तो दोस्तों ये है मेरा आज का पहाड़ी लंच, ये है झोली और करेले की सब्जी और एक मिर्च। तो आपको कैसा लगा मेरा पहाड़ी लंच? तो दोस्तों बच्चे भी कर रहे हैं अभी लंच, बच्चों को कैमरे में आना पसंद नहीं है, तो इसलिए बच्चे नहीं आते हैं कैमरे में, मैं भी कर रही हूँ अपना पहाड़ी लंच, और मिलूँगी आपसे थोड़ी देर में, तब तक के लिए बाय बाय। तो दोस्तों अभी शाम हो चुकी है, और मैं थोड़ा सा खाना खाने के बाद सो गई थी, और अभी शाम की बज चुकी हैं 5:30 होने वाला है टाइम। तो दोस्तों मैं इस ब्लॉग का यहीं पे एंड कर रही हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और मिलूंगी आपसे एक न्यू ब्लॉग में न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।